नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम बात करेंगे बीमारियों के विषय में। जी हां, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। क्यों आप बीमार पड़ जाते हैं? अक्सर दवा का असर आपके ऊपर क्यों नहीं होता, या दवा लेने के कुछ दिन बाद आप फिर से बीमार हो जाते हैं? अक्सर ऐसा लोगों के साथ आजकल कुछ समस्या बनी हुई है। देखिए, एक तो होता है मौसम का प्रभाव, आपकी इम्यूनिटी और कुंडली के छठे भाव का स्वामी और आपका लग्नेश, ये सारे ही जिम्मेदार होते हैं आपको बीमार बनाने में। अगर आप इनसे संबंधित कुछ ऐसे महा उपाय अपनाएं जिससे आप स्वस्थ हो जाएं, आज वही महा उपाय आपके साथ साझा करूंगा। तो भाई, मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी लोग आज अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, उनकी अच्छी सेहत का महा उपाय उनको दूंगा, और उसी के साथ ही उनको प्रसन्न करने का, यानी कि जो ग्रह आपसे नाराज थे उनको प्रसन्न करने का महा उपाय भी आज आपको बताया जाएगा। मित्रों, हर दिन की तरह चार महा उपाय आपके साथ साझा करूंगा जो आपकी नौकरी व्यापार की समस्या को खत्म करेंगे, आपको सेहतमंद बनाएंगे। और आज वास्तु रहस्य बहुत खास होने वाला है, और हर दिन की तरह सफलता का महामंत्र आपको दिया जाएगा महा उपाय के तौर पर। तो निश्चिंत रहिए और जुड़े रहिए जी न्यूज के इस मंच के साथ। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज ज्योतिष गुरु में। तो मित्रों, शुरुआत हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम सांब सदाशिवाय नमः, इस महामंत्र को आप नोट करिए। ओम सांब सदाशिवाय नमः, इस महामंत्र का आज के दिन यदि आप मात्र 27 बार 54 यानी कि 54 बार या 27 बार जाप करते हैं, तो यकीनन कुंडली का चंद्रमा, जिसके आधार पर संपूर्ण कुंडली का निर्माण होता है, वो आपको शुभ परिणाम देगा, और कहीं ना कहीं सभी नवग्रह आपको अपनी शुभता अवश्य देंगे। तो इस महामंत्र का जाप जरूर करिए। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग दिनांक 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि उपरांत चतुर्थी, नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करने वाले हैं। आज का राहु काल नोट करिए, सुबह 9 से 10:30 के मध्य, ये वो समय है जब आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना, किसी भी जरूरी कार्य पर हस्ताक्षर नहीं करना। इस समय किया गया कार्य कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। मित्रों, दिशाशूल होगा आज पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें, वरना नुकसान की संभावना हो सकती है। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आप नोट करें, सुबह 6 से 7:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस दौरान किसी कागज पर आपको साइन करना है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करनी है, या कोई नया सामान खरीदना है, तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत कराते हैं आज के अभिजीत मुहूर्त से। आज का अभिजीत मुहूर्त आपके समक्ष है, सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक, ये वो समय है जो आपकी जीत को निश्चित करेगा। तो इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए मित्रों, अब जानते हैं मेष वृष का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पड़ोस का वाद विवाद आज खत्म होगा, यानी कि बात बन जाएगी जो काफी समय से बिगड़ी हुई थी। नए कार्य करने में आज निवेश नहीं करना है। आज सेहत में सुधार होगा, अपनी राशि अनुसार भी उपाय जरूर करिएगा। शुभ रंग है आपके लिए गाजरी। आज का लकी नंबर होगा 1। उपाय क्या करना है, आज बृहस्पति स्तोत्र का पाठ जरूर करिए, ऐसा करने से आपका दिन पहले से बेहतर हो जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, यानी कि जमीन जायदाद खरीदने से आज आपको बचना है। शाम तक आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी किसी ना किसी से मुलाकात होगी। आज किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई आर्गुमेंट मत करिए किसी से। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज के लिए लकी नंबर होगा 3। आज अगर आप चाहते हैं दिन बेहतर हो जाए, तो भाई लक्ष्मी सूक्त का पाठ उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके जरूर करिए।
आइए मित्रों बात करते हैं उस अचूक और सिद्ध महाउपाय की जो आपकी धन की समस्या को बिल्कुल खत्म करेगा। अगर आपके घर में धन की समस्या बहुत समय से बनी हुई है, अथक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई, तो भाई एक लाल चौकोर कपड़ा लेना है आपको। उस कपड़े में एक मुट्ठी साबुत सफेद चावल। अब चावल कैसे रखने, कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। टूटे हुए चावल रख दिए तो कार्य नहीं बनेगा। 11 पत्ती केसर की आपको वहां पर रखनी है। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इसकी पोटली बनाइए और धन रखने वाली तिजोरी में रख दीजिए, और तिजोरी से थोड़ा सा पैसा निकालकर थोड़ा दान भी करा करिए भैया, जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, ताकि आपके घर में धन जो है असीम मात्रा में हमेशा बना रहे। आइए मित्रों अब जानते हैं मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशि फल। मिथुन राशि, व्यापार में आज कोई इन्वेस्टमेंट या निवेश बिल्कुल ना करें। आज पक्षियों को दाना जरूर डालें, परिवार से बीमारियां कम होंगी। आज सभी लोगों का रेस्पेक्ट करें। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज के लिए लकी नंबर होगा 5। आज पालक का दान जरूर करिए। बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि के विषय में। आज ऑफिस में अपने संबंधों का ध्यान रखें कि किससे क्या कहना है, क्या सुनना है, आपको ध्यान रखना होगा। आज घर की रखरखाव पर पैसा खर्च हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान पहले से ज्यादा हो जाएगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज के लिए लकी नंबर होगा 9। आज ओम मंत्र का 108 बार जाप करिए। समय कम है तो 27 बार ही कर लीजिए, लाभ होगा। आइए मित्रों अब बात करते हैं उस अचूक और सिद्ध महाउपाय की जो आपकी आजीविका की, नौकरी की, व्यापार की तमाम समस्याओं को खत्म करेगा। मित्रों अपने हर कार्य की सिद्धि के लिए, सभी बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए आपको एक छोटा सा महाउपाय करना है। सफेद आग की जड़ आप प्राप्त कर लीजिए। गुलाबी धागे से लपेट कर आप अपने पर्स में रखिए। यह छोटा सा उपाय करके देखिए, बिगड़ी हुई बात भी बनेगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। आइए मित्रों अब जानते हैं सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि फल। सिंह राशि, मित्रों के साथ आज कहीं घूमने जा सकते हैं, सैर सपाटे पे जा सकते हैं। दोपहर बाद आज कोई कार्य ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज के लिए शुभ रंग है नारंगी। आज के लिए लकी नंबर होगा 1। आज शिवलिंग पर कम से कम एक मुट्ठी जौ जरूर अर्पित करें। बात करते हैं कन्या राशि की। अचानक नौकरी में आपको नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आप ऑफिस पहुंचे तो कोई ऐसी खबर आपको मिल जाए, तो थोड़ा सा मन को जो है शांत रखिएगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना है। आज स्थान परिवर्तन करने से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई। आज के लिए लकी नंबर है 6। आज क्या करना है महाउपाय, आज गेहूं गुड़ का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मध्य दोपहर तक करिए। आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा और लाभ भी आपको जरूर होगा। आइए मित्रों बात करते हैं उस अचूक और सिद्ध महाउपाय की जो आपकी सेहत को एकदम से अच्छा करेगा। मित्रों अगर आप बहुत समय से बीमार हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, तो भाई रात में गुनगुने पानी से त्रिफला का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी एसिडिटी की समस्या कम होगी। सबसे पहले तो वात रोग भी कम होगा, पित्त भी कम होगा और कफ भी कम होगा। जब यह तीनों रोग एकदम से ठीक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं यह समस्या कम होगी, तो आपकी इम्यूनिटी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी। तो आप त्रिफला का सेवन करना शुरू करिए। आइए मित्रों अब जानते हैं तुला और वृश्चिक का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पुराने संबंध आज खराब ना होने दें। जो आपके पुराने मित्र थे, सगे संबंधी थे, उनसे कोई रिश्ता ना बिगाड़िए। दोपहर तक समय आपके अनुकूल है तो बहुत अच्छा होगा। इसी समय आपको महत्वपूर्ण कार्य कर लें। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण स्पर्श करिए। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आज के लिए लकी नंबर होगा 5। आज गंग नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, बिगड़ा हुआ काम बनेगा। वृश्चिक राशि,
मित्रों, आज घर की सजावट पर, रखरखाव पर पैसा अधिक खर्च हो सकता है। आज सही समय से अपने ऑफिस पहुंच जाएं, अच्छा रहेगा। दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी, स्ट्रेस बना रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज के लिए लकी नंबर होगा 9। आज भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करिए। आइए मित्रों, बात करते हैं उस अचूक और सिद्ध महा उपाय की जो हर दुख परेशानी और संकट से आपको जरूर बचाएगा। देखिए, अगर आप बहुत समय से परेशान हैं, हर नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है, तो अपने कष्टों को खत्म करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, आप सुबह के समय स्नान करें, हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें और पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके एक घी का दीपक जलाएं, एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें, गणेश कवच का पाठ करें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आप हर नकारात्मक ऊर्जा से बच गए हैं। पाठ से पहले रखे हुए जल का सेवन पाठ के बाद आपको जरूर करना है। ये छोटा सा उपाय करिए, लाभान्वित अवश्य होंगे। मित्रों, आपके घर में भी अगर कोई वास्तु की समस्या है या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज वास्तु रहस्य में आपकी उस समस्या का समाधान हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज का वास्तु रहस्य। मित्रों, अपने घर के दक्षिण वाले भाग को अधिक जो है खुला ना रखें, ज्यादा उसमें खिड़की ना रखें, ज्यादा दरवाजे ना रखें। ऐसा करने से आपको धन का जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो संभव हो तो अपने घर की दक्षिण दिशा को बिल्कुल बंद रखिएगा। यह छोटा सा उपाय अपनाइए, आपकी वास्तु की समस्या कम होगी। आइए मित्रों, अब जानते हैं धनु और मकर का दैनिक राशि फल। धनु राशि, आज दिन भर थकावट बनी रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी सेहत का। आज मीठी वस्तु का दान करने से बिगड़ी हुई बात बन सकती है। आज मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग होगा आज के लिए गुलाबी। आज का लकी नंबर होगा 6। उपाय क्या करना है, भगवान शिव को थोड़ा सा केसर अर्पित करिए। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और बिगड़ी हुई बात जरूर बनेगी। मकर राशि, अपने पिता का आदर करिए, उनके चरण स्पर्श करिए, उनसे हमेशा आदर पूर्वक बात करिए। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। शुभ रंग है आज के लिए आसमानी। आज के लिए लकी नंबर होगा 3। आज गाय की सेवा या जीव जंतुओं की सेवा जरूर करें। आइए मित्रों, अब जानते हैं कुंभ और मीन राशि का हाल। कुंभ राशि, दोपहर बाद आपका आलस्य आज खत्म होने जा रहा है। मित्रों के लिए समय आपको जरूर निकालना चाहिए। आज किसी छोटी यात्रा पर आपको जाना पड़ेगा। शुभ रंग होगा आज के लिए गुलाबी। आज का लकी नंबर रहेगा 6। आज एक महा उपाय करना है, बच्चों को उपहार या फिर मिठाई जरूर दें। मीन राशि, आज रिश्तों की तनातनी या परिवार में जो तनातनी चल रही थी, आज वो खत्म हो जाएगी। दोपहर बाद आज कहीं घूमने जा सकते हैं। आज अपनों पर क्रोध या गुस्सा बिल्कुल ना करें। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज के लिए लकी नंबर होगा 7। आज गणेश मंत्रों का जाप करें, गणेश कवच का पाठ करें, तो बिगड़ी हुई बात जरूर बनेगी। तो मित्रों, समय हो गया है आज के दिन का मूलांक अनुसार राशिफल जानने का। अगर आपका मूलांक 1 है, तो आज दोपहर बाद आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव भी किसी की सलाह से ही करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका मूलांक 2 है, तो आज आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आज अपने पुराने मित्रों से बिगड़ी हुई बात पर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुलह कर बैठेंगे, बात दोपहर तक बन सकती है। अगर आपका मूलांक 3 है, तो भाई आज अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, अच्छा रहेगा। आज शाम तक किसी प्रिय रिश्तेदार का आपके घर पर आगमन अवश्य होगा। अगर आपका मूलांक 4 है, तो दोपहर तक किसी बड़े अधिकारी का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। आज सुबह अपने पुराने धन की प्राप्ति से आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर आपका मूलांक 5 है, तो भाई दोपहर तक आज किसी पुरानी डील से आपको लाभ हो सकता है।
आज किसी भी छोटी बात को लेकर अकारण गुस्सा सभी लोगों की सेहत पर ध्यान अवश्य ही दें। आइए मित्रों बात करते हैं उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। तो मित्रों जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों यह वर्ष आपकी सेहत, व्यापार और नौकरी आजीविका के लिए उत्तम रहने वाला है। विशेष तौर पर इस वर्ष आप अपनी किडनी की समस्या से बचिए, किडनी की समस्या को बढ़ने ना दीजिए। अपने रिश्तेदारों से अपने संबंधों को खराब बिल्कुल ना करें। धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए आप सुबह के समय जल्दी उठिए, स्नान करिए और श्री गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ जरूर करना है। ऐसा करने से भगवान मंगल मूर्ति की कृपा होगी और संपूर्ण वर्ष आप स्वस्थ और मस्त बने रहेंगे। आइए मित्रों बात करते हैं सफलता के गुरु मंत्र। मित्रों आप चाहते हैं आपके बच्चे सेहतमंद बने रहें, उनका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगे, तो बच्चों की अच्छी सेहत के लिए सुबह के समय उन्हें गायत्री मंत्र का जाप जरूर कराइए। अगर वो जाप नहीं करते हैं तो आप उन्हें गायत्री मंत्र सुनवाइए और सुबह के समय उन्हें गुड़ का सेवन जरूर कराइएगा। तो मित्रों जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके साथ भी हम शेयर कर देते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल। मेष राशि। मित्रों आज पड़ोस का वाद विवाद खत्म होने जा रहा है। नए कार्य में कोई निवेश बिल्कुल ना करें। आज सेहत में भरपूर सुधार होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। मित्रों आज जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी में कोई निवेश ना करें। शाम तक प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। आज किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद ना करें। मिथुन राशि। व्यापार में निवेश ना करें तो अच्छा है। आज पक्षियों को दाना जरूर खिलाएं। आज सभी लोगों का रेस्पेक्ट करें, दिल से सम्मान करें। कर्क राशि। ऑफिस में संबंधों का आपको ध्यान रखना होगा। घर की रखरखाव पर थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सिंह राशि। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने आप जा सकते हैं। दोपहर बाद कोई कार्य ना करें। उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। कन्या राशि। मित्रों आज अचानक नौकरी में कोई नुकसान हो सकता है। आज फिजूल खर्ची से आपको बचना है। आज स्थान परिवर्तन करने से आपको भरपूर लाभ होगा। तुला राशि। पुराने संबंध आज किसी से भी खराब ना करें। दोपहर तक समय आपके अनुकूल है। माता पिता का आपको भरपूर आशीर्वाद मिल सकता है। वृश्चिक राशि। घर की रखरखाव पर आज खर्च होगा। सही समय पर आप अपने ऑफिस या कार्यालय पहुंच जाएं, अच्छा रहेगा। आज दिन भर दौड़भाग बनी रहेगी। धनु राशि। आज दिन भर थकावट बनी रहेगी तो सेहत का ध्यान रखिए। मीठी वस्तु का दान कर सकते हैं। आज मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। मकर राशि। अपने पिता का आदर करें तो सर्वोत्तम है। घर में आज मांगलिक कार्यक्रम होंगे, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। कुंभ राशि। दोपहर बाद आलस्य खत्म हो सकता है। मित्रों के लिए समय अवश्य निकालें, अच्छा रहेगा। आज छोटी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। मीन राशि अंतिम राशि। रिश्तों की तनातनी आज खत्म होने जा रही है। दोपहर बाद आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आज अपनों पर क्रोध या गुस्सा बिल्कुल ना करें। तो आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।